सितम गर ये गुर्बत क्या करें। ड्राइवर को सुबह ही वापस भेज दिया था कि मैं अपनी कजन के साथ आऊंगी, इसीलिए तो बैठी परेशान हो रही हूँ। What? वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब आप नहीं गए तो उन्हें क्यों जाने दिया। आप जानते हैं कि मुझे टेंशन हो जाती है जब आप लोग किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहां सुफियान हो। आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है वो। मेरे लिए सबसे बढ़कर इस घर के रिश्तों की अहमियत है जो तुम्हारी और जैनब की वजह से उलझ कर रह गए हैं, वरना इस घर में इस तरह कभी झगड़े नहीं हुए थे। इस घर में झगड़ों की जिम्मेदार मैं या मेरी मम्मा नहीं है, जिम्मेदार है आपकी अना। I know him. वो कभी नहीं आएगा। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो आ जाएंगे, अभी कॉल करती हूँ मैं उनको। It's all right, चलो। लेकिन वो सितम गर ये गुर्बत क्या करें। ऐसी कोई बात नहीं, और प्लीज आप मेरे मामलात से दूर रहें। वैसे भी मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूँ। एक मिनट, अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ शहरोज से। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। Come on यार, it's okay. तुम इस घर की बेटी हो, कर सकता हूँ मैं। सुफियान, आप ऐसा नहीं करेंगे। सुफियान प्लीज। अब तो बेल जा रही है। सुफियान, आप उन्हें मेरी बात तो सुने। It's all right, मैं हैंडल कर लूंगा, कुछ नहीं होगा। तो हेलो हेलो शेरोज, क्या तुम अभी तक नाराज हो क्या? उशना को शादी में क्यों नहीं आने दे रहे? सुफियान, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कम ऑन यार, उसकी कजन की शादी है, इतना तो हक दो उसे। इतनी गलत फहमियां अच्छी नहीं है। तुम्हारी खुशफहमियां जो है ना सुफियान, वो तुम्हारे लिए मसाइल बढ़ा देंगे। यार ये क्या बात है, बचपन का साथ है हमारा, सदब उसकी क्लास फेल हो रही है, तुम एकदम से इतनी कैसे पाबंदी लगा सकते हो? That's not fair यार। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही, या तुम समझना नहीं चाह रहे हो। देखो यार, अगर तुम बिजी हो तो उशना की पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। पप्पो तो यहाँ है ही, वो शादी भी इंजॉय कर लेगी और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, उशना मेरी बीवी और मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभाना चाहता हूँ। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे, समझ आई तुम्हें? It's okay यार, relax. तुम अपनी बीवी को नौकर बना के रखना चाहते हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी है। कॉल काट दे। तुम इसके साथ गुजारा कैसे कर रही हो? इस तरह खेलने का भी मजा कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने मना किया था तो क्यों गई वहां पे? मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें देखने के लिए गई थी। मेरे मना करने के बावजूद उसने, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया? कौन सा मकसद? सुफियान से मिलने का मकसद। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? तुम उस शख्स से कॉल करवा के मुझे जलील करवा रही हो और मुझे ये कह रही हो कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूँ। गलत समझ रहे हैं, सब बिल्कुल नहीं है। मामा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और सुफियान ने मुझे कॉल की थी। सुफियान ने तुम्हें कॉल किया और तुम्हारे बारे में परमिशन लेने के लिए भी उसने मुझे कॉल की। वैसे तुम कहाँ पे थी जब उसने मुझे कॉल की? मैं वहीं थी और मैंने उन्हें मना किया था कि आपको कॉल। कमाल का इंसान नहीं है वैसे वो? उसने, वो कमाल का इंसान नहीं है कि उसको आज भी तुम्हारी इतनी फिक्र है? मुझसे ज्यादा तो वो ख्याल रखते ना तुम्हारा। शहरोज प्लीज। व्हाट प्लीज? उसने मुझे बताओ कि तुम दोनों के दरमियान चल क्या रहा है?
ऐसा क्या है कि उसकी आस आज भी खत्म नहीं हुई? शेरोज, enough is enough. आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ. मैं मेन कंसर्न कि तुम मेरी बीवी हो. अच्छा, तुम ये भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो और मेरी इज्जत हो तुम. मैं नहीं भूली, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने सुफियान को रिजेक्ट करके आपसे शादी की थी और आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है. तुमने उसको रिजेक्ट नहीं किया था. आंटी ने तुम्हें फोर्स किया था कि तुम मुझसे शादी कर लो और अब तुम्हें अच्छा मौका मिल गया मुझे बेइज्जत करने का. हाँ, ये सच है कि मैंने ये शादी मामा के कहने पर की थी, लेकिन लेकिन अब मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभा रही हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ. अच्छा, तुम दिल से निभा रही हो? इस तरह से निभा रही हो कि गैर मर्द मुझे तुम्हारे बारे में परमिशन लेने के लिए कॉल कर रहा है और मैं जो तुम्हारा शौहर हूँ तुम्हारे लिए उसकी इज्जत मैटर ही नहीं करती. ये इज्जत करती हो तुम मेरी? शरोज, मेरी तरफ से इतना बदगुमान ना हो. जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है. मामा की तबीयत खराब थी, मैं उन्हें देखने के लिए गई और यकीन माने मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी. I don't need any justification. Enough is enough. शरोज प्लीज. उष्णा प्लीज छोड़ो. जीने की जस्तजू, मरने की आरज़ू, दोनों ही तेरी अता है. आपका निकाह हुज़ैफ़ा वल शुजात अहमद के साथ मुबलिक 2,00,000 रुपए हक मेहर कई सिक्का रायजुल वक्त के इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है. क्या आपको यह निकाह कबूल है? हक मेहर तो 5,00,000 रखवा देती, सिर्फ 2,00,000 रखवाया. क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है. क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है. यहाँ साइन करो. Thank you.
जाते आप, इतनी देर कर दी। क्यों शादी में जाना तुमने? क्यों बिला वजह को गुस्सा कर रहे हैं आप? मैं बिला वजह गुस्सा कर रहा हूँ? उसने तुम्हारे लिए बिला वजह की बात होगी, ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है। हाँ तो मान ली ना, आपकी बात नहीं गई शादी। बहुत एहसान किया तुमने मेरी बात मान के। वैसे भी तुम्हें जरूरत क्या है मेरी परमिशन की? अपनी मर्जी की मालिक हो तुम। बात एहसान की नहीं है, बात मोहब्बत की है। मोहब्बत करती हूँ आपसे, एतबार करती हूँ आप पे। आपकी तरह नहीं हूँ कि छोटी छोटी बातों पर बेएतबारी दिखाने लगूं। एक सेकंड, मैंने तुम्हें कभी मौका भी नहीं दिया। तुमसे कोई बात करना भी फजूल है। अच्छा एक सेकंड, एक बात तो सुन ले रुक कर मेरी। उष्णा, मैं कुछ वक्त ना अकेला रहना चाहता हूँ, तुम प्लीज कमरे से बाहर चली जाओ। चलो मैं ही चला जाता हूँ, तुमसे क्या मैं बात कर रहा हूँ। सेल्फी तो बनवा लो मेरे साथ, फेसबुक पे चल लगानी है और इंस्टाग्राम पे भी तो लोड करना है, और तुम्हें टैग भी तो करना है। अरे कितनी लड़कियों के दिल टूटेंगे, तुमने भी अंदाजा ही नहीं मेरी फैन फॉलोइंग का। यहाँ देखो, अगर तुम चुप नहीं रहे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे अजीब हो तुम, वैसे आपस की बात है, आज मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा तो कोई लग भी नहीं रहा। इतनी प्यारी लग रही हो तुम आज, तस्वीर बनवा लो ना। हेलो बेटा। वालेकुम सलाम। अरे तूने सदफ की शादी में जाना था, तुम नहीं गई? नहीं मैं नहीं गई। क्यों? शेरू जाना नहीं चाहता ना जाए, मगर आपको तो जाना चाहिए ना बेटा, चलो। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। परेशान क्यों हो रही बेटा, मैं बात करूंगा, मेरा बेटा है, चलो तुम। नहीं रहने दे, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद मैंने आपसे कहा है उनसे बात करने के लिए। और वैसे भी ये शादी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं मामा की वजह से परेशान हूँ। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, आज उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, बहुत अपसेट थी वो। आपकी कोई नाराजगी है उनसे? नहीं, मेरी उनसे बेटा कोई नाराजगी नहीं है। तो फिर आपने उनसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? वो शायद इसी वजह से ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस ले रही है। कारोबार बेटा, कारोबार की मसरूफियत इतनी ज्यादा थी, मैं दिमाग से निकल गया सब कुछ, अभी मेरा फोन भी टूट गया, नया लिया है। तो अब आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा आपसे बात करके। हाँ, मैं कांटेक्ट करूंगा, ऑफ कोर्स मैं उनसे बात करूंगा बेटा, बिल्कुल। एक और बात, आप जब उनसे बात करेंगे उन्हें घर आने के लिए कहेंगे? हाँ कहूंगा मैं, क्योंकि बेटा जब उन्होंने आना होगा ना तभी वापस आएंगे। बड़ा ही हल्का सेट चढ़ाया है भाभी ने अपनी बेटी को। ये आपको हल्का नजर आ रहा है? मुझे लगता है आपको अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। मुझे लगता है तुम सबको अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। तुमको तो हमारे हाथ पैर धो धो के पीने चाहिए कि मैंने किस तरह तुम्हारे खानदान वालों की इज्जत बचाई। मेरा सोचो इस बार क्या हो गया है, क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को? अरे भाभी मैं कब परेशान कर रही हूँ अपनी बहू को? मैं तो इससे सिर्फ ये कह रही थी कि दुल्हन इस तरह दीदे फाड़ फाड़ कर देखती हुई अच्छी नहीं लगती, है ना सदा? और आप जो इतना झूठ बोलती है ना, अम्मी को इसका बहुत अच्छे से अंदाजा है। और मुझे भी, मैं जरा शिजात को देख लूं। हूँ क्या कह रही थी? अच्छा ना बेटा, अब तो खुश हो जाओ। Thank you.
आप पागल हो गई हो? लोग देखने तमाशा बनाओगे क्या हो गया? तो देखने दे, मैं कौन सी आपकी सौतेली बीवी हूँ? लोग देख, सौतेली बीवी लगा रखा, ये कौन सी उर्दू है? जरूरी बात सुन, ये जो आपके भाई और भाभी ने हमें जहेज के नाम पे तिनका तक नहीं दिया है, उसके बारे में क्या ख्याल है? खाली हाथ रुख्सत करेंगे क्या अपनी बेटी को? हालात हो गया दिमाग खराब, जिन हालात के अंदर शादी हो रही है और हालात के अंदर जहेज की बात उनके दिमाग में आ सकती है? आ जानी चाहिए। आपको पता है एक महीना पहले बेड सेट बुक हुआ था, मैं जानती हूँ, और गाड़ी भी तो बुक कराई थी, कम अज कम वो ही दे देते हमें। सुनो महनाज, उनको जो कुछ भी देना होगा ना वो अपनी बेटी को दे देंगे, लेकिन बराए मेहरबानी तो अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। अगर गलती से तुम्हारी बात जो है भाई साहब और भाभी बेगम के कानों में पड़ गई तो उनको यूं लगेगा जैसे मैंने उनकी बेटी को लालच के तहत दिया है। समझ में आ गई तुम्हारी बात? सच तो कड़वा ही होता है मियां, नहीं तो समझ नहीं आ रही मुझे ये लोग चाहते क्या है। और आपको क्या लगता है उनकी मुंह जोर बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए मैं क्या मरी जा रही थी? मौका महल देख लिया करो, का महल देखा करो, मान देख रहे, देखने दो, गले में घंटी तो मेरी डली है ना। सुन, तो तुम मेरी शरीके हाथ बनी गई। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी मनो शक्ल बर्दाश्त करती रहूंगी। ये वही शक्ल है ना जिसको अज़र ने देखते इनकार कर दिया था? मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच सुनना तो मुझे पसंद नहीं है। सब सुनना चाहते हैं तो सुनो, मुझे उनसे शदीद नफरत है। अब मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारी इस नफरत मेरी पुरानी वाली मोहब्बत नजर आती है। स्माइल करो ना, स्माइल करो। आप यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हैं? आए चलें, सब स्टेज पे हैं। हाँ बस कुछ ऐसी घबराहट हो रही थी इसलिए मैं यहाँ के बैठ गई। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। आई थिंक उष्णा नहीं आई इसलिए आप उसको लेकर डिस्टर्ब हैं। नहीं नहीं यकीनन कोई वजह होगी, कोई मसरूफियत होगी इसलिए नहीं आई, वरना तो उसने आना था। मेरी बात हुई थी उससे। अच्छा, उसको शेरोज ने आने नहीं दी। मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन फेरोज के मिजाज कहाँ मिलता है। इस बात पे उष्णा भी काफी परेशान थी। अच्छा मैं कॉल करके पूछती हूँ फिर उससे। वहाब आप बात करें मैं। हाँ हाँ। वालेकुम सलाम ज़ैनब, हाउ आर यू? ये पूछने में आपने कुछ देर से नहीं कर दी? आई एम सॉरी रियली, मैं पहले फोन करना चाहता था, बहुत मसरूफ हो गया, फिर मेरा फोन भी टूट गया ना। तो ऑफिस से फोन कर सकते थे, चाहते तो घर से भी कर सकते थे। नहीं रियली मैं करना चाहता था मगर इतना मैं मसरूफ रहा, आई एम सो सॉरी रियली। जी आप के ऑफिस फोन किया था, वहां से पता चला था मुझे। अच्छा आपने ऑफिस फोन किया था क्या? जी यही मैसेज मिला कि आप मीटिंग्स के सिलसिले में बाहर हैं। अच्छा तो फिर आपको तो यकीन कर लेना चाहिए ना मेरी बात का, मेरा असिस्टेंट बिल्कुल ठीक कह रहा था। यकीन तो है मुझे, बस ये एहसास तकलीफ देता है कि आंख से उजल हूं तो अहमियत भी सिफर हो जाती। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ज़ैनब, यू नो आप मुझे कितना अंडरस्टैंड करती हैं, तो ये बात आप बिल्कुल मत सोचें। जी फिक्र करने वाले ना हो तो हो जाता है ऐसा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना, आई एम सॉरी मैं थोड़ा निग्लेक्ट करता रहा लेकिन अब मैं वादा कर रहा हूँ बिल्कुल हर रोज आपको पूछा करूंगा, इनफैक्ट हर रोज फोन किया करूंगा। ओके मैं तो अंडरस्टैंड करती हूँ, काश आप भी मुझे अंडरस्टैंड कर। अच्छा अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ कह रहा हूँ ना हर रोज फोन किया करूंगा आपको, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और तो क्या हो रहा है, शादी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, सब आपका पूछ रहे हैं कि आप आए नहीं। अब ठीक हूँ मैं जी, नहीं जरूरत नहीं, खुदा हाफिज। आप भी। मामा को आपके रवैये ने मजबूर किया था इस घर से जाने के लिए,
सिर्फ आपकी वजह से वो इस घर से चलेगी ताकि आप सुकून से रह सकें। और आपको अगर ये लगता है कि मामा की तरह आप मुझे भी ये घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उष्णा, किस तरह से बात करी तुम मम्मी से? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें वहीं पे भेज दूं जहां तुम्हारी मम्मी गई हुई है। समझ आई तुम्हें? शुक्र है अल्लाह का, ये फर्ज भी अदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह भैया। शुजात, तुम्हारा एहसान रहेगा ना सिर्फ मुझ पे बल्कि पूरे खानदान। कैसी गैर वाली बात करें ना सर, क्या हो गया? आपकी जिम्मेदारी कल के कबूल। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सायरा, शहरोज भाई को बुलाएं नाश्ते के लिए। जी साहब, तो स्टडी में मैंने एक दो दफ़ा नॉक किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहे। स्टडी में? साहब रात स्टडी में ही सोए थे। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ कि कुछ मंगवाना है तो नाश्ता करके जाए, बैठे हैव ब्रेकफास्ट। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, बाहर चलता हूँ। क्या मतलब है भूख नहीं है? रात को भी देर से घर आए हो आप वापस, और स्टडी में क्यों सोए थे आप? ये तो आप अपनी मुंतखब करदा बहू से पूछे ना, मुझसे क्या पूछ रही हूँ, चलता हूँ। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है शहरोज का? क्या किया है आपने? मैंने कुछ नहीं किया आंटी। मैं जानती हूँ आपके वहाँ जाने से मसला हुआ है। मना भी किया था आपको कि आप ना जाएं, लेकिन आप पता नहीं दोनों माँ बेटी क्या क्या चाहती हैं। हम कुछ नहीं चाहते, और मैंने आपको बताया था कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस इसीलिए वहाँ गई थी। चाबी तो अंदर रह गई। आपकी वजह से उष्णा, सिर्फ आपकी वजह से शहरोज इतने डिस्टर्ब रहने लगे हैं। अगर आपको उन लोगों की इतनी परवाह है, शहरोज की परवाह नहीं है, तो फिर प्लीज आप वहां क्यों नहीं चली जाती? चली जाइए फिर। आंटी, अब आप हद से गुजर रही हैं, मैं मुसलसल बर्दाश्त कर रही हूँ। क्यों आप इस घर को सिर्फ अपना घर समझती हैं? ये घर हमारा भी उतना ही है जितना आपका है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये घर बिखर रहा है। इस घर के लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस लहजे में बात करते हुए। मामा को आपके रवैये ने मजबूर किया था इस घर से जाने के लिए। सिर्फ आपकी वजह से वो इस घर से चलेगी ताकि आप सुकून से रह सकें। और आपको अगर ये लगता है कि मामा की तरह आप मुझे भी ये घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ना, किस तरह से बात करी तुम मम्मी से? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें वहीं पे भेज दूं जहां तुम्हारी मम्मी गई हुई है। समझ आई तुम्हें? मम्मी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे जरूर बंद करूंगा। समझ आई तुम्हें? प्लीज स्टॉप इट। क्या हो गया आप दोनों को? आप इतनी बड़ी बात मुझसे कर कैसे सकते हैं? वैसे ही जैसे तुम मेरी मम्मी से बदतमीजी कर रही थी उसी तरह से बात कर सकता हूं मैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की।
मैंने सिर्फ वो कहा जो ना तो आप समझना चाहते और ना ही शायद सुनना चाहते हैं। कृष्णा, मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगा, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। आपने सिर्फ वो सुना है जो मैंने कहा है, लेकिन आपने वो नहीं सुना कि आंटी की किस बात पर मैंने ये जवाब दिए। उष्णा, मैंने जितना सुन लिया ना मेरे लिए काफी है, इससे ज्यादा सुनना या समझना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आपको सब कुछ आज सुनना पड़ेगा ताकि आप यह हकीकत जान सके कि आंटी। उष्णा बस कर, मैं अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अच्छा बस प्लीज 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 बात को यहीं पे खत्म कर दे शहरोज, प्लीज। उष्णा देखा, ये फर्क है तुम में और मेरी माँ में, ये बात खत्म करना चाह रही हो, तुम बात बढ़ाना चाह रही हो। शहरोज जैसा आपको नजर आ रहा है हकीकत वो नहीं है, मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती, पहले बात आंटी ने शुरू की थी। शहरोज आपको कहीं जाना था ना, जाएं प्लीज, आपको देर हो रही है। कभी मेरी मिसेस इतना से बात करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई तुम्हें? अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, पता नहीं वो ऐसे क्यों कह रही है। मुझे लगता था कि मैं भी इनकी माँ जैसी हूँ, पर पता नहीं क्यों उसने ने कभी मुझे माँ नहीं समझा। अम्मी आप ना अहमियत दें इसकी बातों को, मैं सोच भी नहीं सकता था कि उष्णा इस हद तक। कैसे ना दूं बेटे, कितनी खुशी से आपकी जिंदगी में शामिल किया था इन्हें, आपकी खातिर ये भी भूल गई थी कि इनका बैकग्राउंड क्या है। मैं जानता हूं अम्मी, मैं नहीं भूला आपकी कुर्बानियां, कैसे मेरी जिद की खातिर आपने अपने खानदान को फरामोश कर दिया। लेकिन आप परेशान ना हो, आप एक मजबूत बेटे की माँ हैं। देखिए मैं आज भी नहीं बदला, आज भी वैसे ही आपसे प्यार करता हूँ। कोई फायदा नहीं, बस मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब वो आपके साथ बदतमीजी करती हैं। सब जानते हैं कि ज़ैनब अपनी खुशी के साथ सदफ की शादी में शरीक होने गई हैं। ये क्यों इल्ज़ाम दे रही हैं मुझे, किस बात का? अम्मी इसका तो दिमाग खराब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे सोच भी कैसे सकती है। ज़ैनब आंटी को आप खुद घर में लेकर आई हो, कोई छोटी सी बच्ची थोड़ी है कि हम हाथ पकड़ के उन्हें घर से बाहर निकाल दें। आपने जाने की इजाजत नहीं दी ना उन्हें, इसी बात का गुस्सा निकाल रही हूँ। घर का माहौल तबाह होके रह गया बेटे, हर वक्त टेंशन होती है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन सी बात हो जाएगी। अच्छा अम्मी आप तो अपनी तबीयत ना खराब करें ना परेशान हो के, आपने उससे जो भी बात करनी है आप मुझसे कह देना, मैं उससे खुद बात कर लूंगा, आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे किसी को इजाजत की क्या जरूरत है बेटे, एक अपाहिज औरत एक इनवैलिड से। अम्मी ना आप मोहताज हैं ना ही कमज़ोर, और आप फिक्र ना करें मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा आपसे उलझने की। हमें इस घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी हैसियत और अहमियत को चैलेंज कर सके, ऐसा करने वाला सिर्फ आपका नहीं मेरा भी दुश्मन होगा। आप रिलैक्स रहें प्लीज। I'm okay. अच्छा मुझे एक जरूरी काम से जाना था, मैं अब चला जाऊं, ठीक है? चले जाओ। ख्याल रखें। Thank you.
तरह से बात कर रही तुम मम्मी से? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें वहीं पे भेज दूं जहां तुम्हारी मम्मी गई हुई है, समझ आई तुम्हें? मम्मी नहीं लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे जरूर बंद करूंगा, समझ आई तुम्हें? ये पैकिंग इतनी सारी कहाँ जा रही है? सदफ की शादी है ना, तो मैंने सोचा कि कुछ अरसा वहीं गुजार लूं। ऐसे कैसे? आंटी ने कुछ कहा है ना आपसे? मुझे बताएं क्या कहा है उन्होंने? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और तुम भी आफा की तरफ से अपने दिल में कोई बदगुमान मत रखो, अपने दिल को साफ कर लो, वो सास है तुम्हारी और तुम अच्छी तरह जानती हो शहरोज कितना हसास है उनके बारे में। मेरा दिल बिल्कुल साफ है उनके लिए, अगर दिल साफ ना होता तो मैं उनसे माफी नहीं मांगती, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इस तरह से नाइंसाफी करें आपके साथ। क्या कहा है उन्होंने आप मुझे बताएं? तुम बस शहरोज पे तवज्जो दो, अपने उसकी रिलेशनशिप पे, बाकी सब भूल जाओ। आपका इस तरह से यहाँ से जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे आप हालात से डर के मैदान छोड़ के भाग रही हैं। ये जंग का मैदान नहीं है, ये घर है मेरा, और अपना घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ फैसले वक्त का तकाजा होते हैं, करने पड़ते हैं। कभी कभी अपनों के दिलों को जीतने के लिए मैदान छोड़ना भी पड़ता है। जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप एक बार फिर से सोच लें। क्यों परेशान हो रही हो? मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ? शादी खत्म होगी, चंद दिन रुकूंगी, वापस आ जाऊंगी। लेकिन आप जाए क्यों रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपका यहाँ से जाना। अरे मेरी फिक्र छोड़ो, शहरोज पे तवज्जो दो, बीवी हो तुम उसकी, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसे भी वक्त दो। अब ये रोती हुई शक्ल जो है ना, इसको ठीक कर लो, वरना मैं वहां परेशान रहूंगी। ये तो नहीं चाहती ना तुम कि मैं परेशान रहूं? आओ उधर। अरे सुनो, अपने हाथ की कुछ सी कॉफी नहीं पिलाओगी जाने से पहले? अभी लाती हूँ। मिस कर रही थी मैं आपको। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, लेकिन क्या बात है, परेशान लग रही है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। मैंने फोन तो इसलिए किया था कि तुमसे पूछूं कि तुम आई नहीं, लेकिन अब तुम्हारी परेशानी मुझे अपसेट कर रही है। क्या बात है बताओ मुझे? आपको तो पता ही है ना, आंटी को मेरा वहाँ आना पसंद नहीं है। सच बताओ मुझे, आपा की वजह से तुम नहीं आई या शहरोज ने तुमसे कुछ कहा है? मुझसे छुपाओ। भला मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? थोड़ा परेशान हो गई थी इसीलिए आपको मिस कर रही थी। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, तुम मुझे बताओ तो सही परेशानी की वजह क्या है। इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा था। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और मैं आपको ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती मामा, लेकिन शहरोज मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है
और आंटी उनकी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं वो क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे हर बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अफसोस तो इस बात का है कि आपा का दिल हमारी तरफ से इतना तंग हो गया है कि वो हमें अपना मध्य मुकाबिल समझने लगी है। लेकिन शायद यही इंसानी नफसियात है कि इंसान अपनी गलतियों को दूसरों की कमजोरियों के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। मम्मा मैं कुछ समझी नहीं। समझाऊंगी तुम्हें, तुम परेशान ना हो, बस एक बात का ख्याल रखो, जितना मुमकिन हो शहरों से बहस करने से गुरेज करो, कोशिश करो वो तुमसे बदगुमान ना हो। देखो आपा अगर मैं अपना दुश्मन समझती हूँ तो इस सोच को ना मैं बदल सकती हूँ ना तुम, हाँ शायद आने वाला वक्त बदल सके, वो भी अगर वक्त हम पे मेहरबान हुआ तो। बस तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ, और उस वक्त तक बस शहरोज का ख्याल करो, उसे कोई शिकायत का मौका ना दो। जी ठीक है। कुछ खाया तुमने? ऐसे में खाने का दिल कहाँ करता है। दिल चाहे ना चाहे खाना और नाश्ता बहुत ज़रूरी है, समझी तुम? तुम नाश्ता करो, कुछ खाओ, फिर मैं तुमसे बात कर। आपको उष्णा के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी खुशी के लिए तुमसे जो कुछ हुआ वो मैं करूँ। मुझे लगता है उष्णा को अपने मामलात खुद ही संभालने चाहिए, हमारा मैके का इंटरफेरेंस मुझे नामुनासिब लगता है। खैरियत तो है, फुप्पो और भतीजे में क्या बात हो रही है? फुप्पो उष्णा को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। वो एक्चुअली शेरोज ने कल उसे शादी में नहीं आने दिया ना, इसलिए डिस्टर्ब्ड है। बड़े नाकदरे लोग हैं वो, मैं तो उन लोगों के रंग ढंग देख के ही समझ गई थी। लेकिन जैनब तुम्हें और उष्णा को ना वहां बड़े संभल के रहना है, ज्यादा हल्का मत लो तुम अपनी सौतन को। मैंने तो हमेशा उनको आपा ही कहा है और समझा है, इस रिश्ते का जिसका आप जिक्र कर रही हैं इसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं मैंने। अरे तुम्हारे सोचने से क्या होता है, हकीकत तो यही है ना कि रिश्ते में वो तुम्हारी सौतन है। देखो जैनब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपने आप को अकेले मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। जी खैर तुम्हारे मसले तो हम देख लेंगे, और अगर ज्यादा हुआ तो मैनाज है ना, ऐसे साजिशी मामलात में ना मैनाज का दिमाग खूब चलता है भाई। खैर अभी तो चलो सदफ का नाश्ता लेके चलते हैं, माना के फासला तो एक पोर्शन का है, लेकिन है तो बेटी का ससुराल ना, रसम तो निभानी पड़ेगी। आ जाओ। ये तो है, नाश्ता बन गया? हाँ हाँ सब कुछ तैयारियां हो गई हैं, लेकिन मैं अकेली जाती हुई अच्छी लगूंगी, तुम भी साथ चलो मेरे साथ। हाँ हाँ चलें, चलते हैं। तमगर ये कुर्बत क्या